एजबेस्टन के मैदान में कप्तान चल पड़ा सीनातान। दोस्तों वैसे तो जसप्रीत बुमराह को उनके खतरनाक गेंदबाजी के लिए जाना जाता है, लेकिन शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि कप्तानी की जिम्मेदारी मिलते ही बुमराह बैट से भी कमाल दिखाएंगे और अपने पहले ही मैच में बतौर बल्लेबाज एक ऐसा इतिहास रच देंगे कि उसे वर्षों तक याद रखा जाएगा। ये घटना भारत की पहली पारी के 84वें ओवर की है। तब स्ट्राइक पर थे भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह और उन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड के उस ओवर में कुल मिलाकर 35 रन बटोर लिए, जिसमें बल्ले से जस्सी ने 29 रन जड़े, वहीं ब्रॉड ने 6 रन एक्स्ट्रा के लुटा दिए। ऐसा होते ही बुमराह ने अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा लिया और टेस्ट इतिहास में एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने वालों की लिस्ट में बुमराह ने वेस्ट इंडियन लेजेंड ब्रेन लारा, ऑस्ट्रेलिया के जॉर्ज बेली और साउथ अफ्रीका के केशव महाराज सभी को पछाड़ दिया और बाउंड्रीज की झड़ी लगा दी, जिसने बर्मिंघम में समा बांध दिया और इस ऐतिहासिक लम्हे की लाइव गवाही बने भारत के हेड कोच राहुल द्रविड़ और टीम के स्टार किंग कोहली का रिएक्शन देखते ही बनता था। आपको बता दें, 10वें नंबर पर बल्लेबाजी करने पहुंचे जसप्रीत बुमराह ने बतौर कप्तान फ्रंट से लीड करते हुए पहले ही मैच में अपनी लीडरशिप क्वालिटी को प्रूव कर दिया है। जब तक रविंद्र जडेजा विकेट पर मौजूद थे, तब तक जसप्रीत बुमराह सेकेंड फिडल का रोल निभा रहे थे, लेकिन जैसे ही जडेजा 104 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए, उसके बाद से ही जस्सी ने रन बनाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और अटैकिंग अप्रोच के साथ रन बनाने शुरू कर दिए। उन्होंने इस दौरान इंग्लिश टीम के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड को आड़े हाथों लिया। भारतीय पारी के 84वें ओवर में बुमराह ने ब्रॉड के घुटने टेकवा दिए। ब्रॉड की पहली गेंद पर जस्सी ने फाइन लेग पर चौका लगाया, फिर अगली गेंद पर गुस्से में आकर ब्रॉड ने बाउंसर डाल दी और इसे वाइड करार दिया गया और ये गेंद भी चौके के लिए चली गई। फिर ब्रॉड की अगली गेंद पर बुमराह ने छक्का जड़ दिया, लेकिन इसे भी नो बॉल करार दिया गया, जिसके चलते ब्रॉड को तीसरी बार दूसरी गेंद डालनी पड़ी। इस बार यॉर्कर मारने के प्रयास में ब्रॉड फुल टॉस करा बैठे और भारतीय कप्तान ने इसे मिड ऑन की तरफ चौके के लिए भेज दिया। फिर ओवर की तीसरी, चौथी और पांचवी लीगल गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने चौके की हैट्रिक पूरी की और आखिरी एक गेंद पर एक रन बनाया। इसी के साथ एक ओवर में 35 रन ठोक कर जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट इतिहास के किसी एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं और उनकी पारी ने स्टेडियम में मौजूद दर्शकों से लेकर साथी खिलाड़ियों से अलग ही जोश भर दिया है। बुमराह को इतिहास बनाते देख भारतीय खेमा खुशी से झूम उठा, जहां ड्रेसिंग रूम में टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ से लेकर सभी खिलाड़ी खड़े होकर बुमराह के सम्मान में तालियां बजाते हुए और उन्हें चीयर करते हुए नजर आए। इसके साथ ही दूसरे छोर पर खड़े मोहम्मद सिराज ने भी उन्हें गले से लगाया और इतिहास रचकर जब बुमराह पवेलियन जा रहे थे, उस दरमियान राहुल द्रविड़ ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई। यही नहीं, द्रविड़ ने भारतीय कप्तान की पीठ थपथपाकर शाबाशी भी दी। बुमराह ने 16 गेंदों में 36 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसके चलते भारत 416 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचने में कामयाब हो सका। यही नहीं, जब पारी गेंदबाजी की आई, वहां भी टीम इंडिया के कप्तान ने सामने से नेतृत्व करते हुए नजर आए हैं। बल्ले से धमाल मचाने के बाद जसप्रीत बुमराह ने गेंद से भी कहर बरपाना शुरू कर दिया है। भारतीय कप्तान ने अब तक इंग्लैंड के दोनों सलामी बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखा दी है और भारत को बेहतरीन शुरुआत दिला दी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में भारत टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हो पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।